लाइन चढ़ाई है तो मस्त ये गाड़ी जा रही है, आराम से प्यार से जा रही है ना। मतलब पहाड़ों की रानी जो कहते हैं, ये तो माशुका हो गई है पहाड़ों की। पहाड़ों की रानी तो ऑल्टो है, हाँ इसलिए बोला ना, ये माशुका हो गई है। क्या मस्त मक्खन की तरह रियर व्हील ड्राइव के साथ, चाहे जितना भी हो 45 डिग्री एंगल, ये देखो कैसे कैसे मोड़ हैं इसमें भी, मस्त हैंडलिंग बढ़िया। इतने लोग बैठे हुए गाड़ी में फिर भी। सो नेक्स्ट हम लोग जा रहे हैं जायंट बुद्धा स्टैचू देखने, वो ऊपर देखिए दिख रहा होगा आपको, तो वो देखने जा रहे हैं। पास ही आस ही पास है, ज्यादा दूर नहीं है। ये है जायंट बुद्धा स्टैच्यू तवांग में, और इतना पीसफुल एनवायरनमेंट है, बहुत सुंदर है। बहुत मन की शांति मिलती है ऐसे प्लेसेस में आके, ऊपर है हवा चल रही है और जो वो घुमाते हैं वो भी बहुत अच्छा लगा। तो अभी चलते हैं, अभी 2 बज गया है, अभी चाय वाय पीना है, चाय पी लेते हैं। हाँ चाय पी लेते हैं, चाय और मैगी कुछ खा लेते हैं और फिर चलते हैं मॉनेस्ट्री देखने। तो आज का जो हम लोग का ये है व्लॉग, खाली तवांग के अंदर ही हम लोग घूमे और कल चलते हैं बुमला। मॉनेस्ट्री कौन सी है? वो देखो, हाँ दिख रही है ऊपर तक जाएगा वहाँ भी, क्या गाड़ी जाती है। चलो तो हम लोग जा रहे हैं तवांग मॉनेस्ट्री की तरफ और वहीं पे ही देखते हैं, वहाँ पे कुछ खा लेंगे, आसपास कॉफ़ी शॉप है शायद। वैसे तवांग मॉनेस्ट्री 7 AM to 7 PM खुला रहता है, तो अभी तो 2 ही बजा है, 2:19। सो मॉनेस्ट्री ये अंदर जाने के लिए ढलान है, वो बहुत ज़्यादा है, तो मैं तो नहीं जा पाऊँगी, मम्मी पापा भी नहीं जा पाएंगे अंदर शायद, सब जाने के लिए है देखने के लिए। आई थिंक दूसरे रूट से रास्ता होगा दूसरे तरफ से। नहीं नहीं उधर से नहीं है। हाँ नहीं नहीं है, सो यही है तवांग मॉनेस्ट्री। ये अपने इंडिया की लार्जेस्ट मॉनेस्ट्री है और वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट। हम लोग वहाँ पर थे, वो देखिए बुद्धा स्टैचू, और यहाँ देखते हैं अंदर जाके कितना सुंदर लग रहा है।
यही है तवांग्स मॉनेस्ट्री। ये इंडिया का लार्जेस्ट मॉनेस्ट्री है और वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट मॉनेस्ट्री है। और देखिए कितना सुंदर है, ये हमने ड्रोन शॉट लिया है, बहुत सुंदर है। अंदर भी जा सकते हैं, मॉन्क के साथ आप बातें बातें कर सकते हो, उनके बारे में जान सकते हो। लेकिन अभी शायद क्लासेस चल रही है, कुछ तो है, लेकिन पूरा खाली था। एक वहाँ पे टेम्पल टाइप का था। अभी दोपहर का समय है। बहुत बड़ी सी उनकी मूर्ति थी। हाँ, बुद्ध की मूर्ति थी। तो चलिए चलते हैं। और वो दूर पे देखिए, वहीं से हम लोग आए थे, बुद्धा स्टैचू। तो ये देखिए ऊपर से कितना सुंदर व्यू है, पूरा तवांग का व्यू दिख रहा है। वो स्टेडियम है और लेफ्ट हैंड साइड में वो जो एक ब्लू कलर का घर दिख रहा है, ब्लू छत वाला, वहीं पे हम लोग का होम स्टे है। उसके जस्ट सामने वो रेड कलर वो जो छत है ना, यहाँ से दिख रहा है, वही हम लोग का होम स्टे है। बहुत सुंदर लग रहा है, ये मॉनेस्ट्री गेट के बाहर से ही बहुत सुंदर व्यू दिख रहा है। सो चलो चलते हैं अभी वापस होम स्टे। यहाँ के जानवरों पर बिक्री, हत्या और शिकार पर कानूनन रोक है। गुड। हे मैडम, गुड मॉर्निंग। अच्छा, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। भूख लगी है, खाना खाओगी? मानवी, आर यू हंग्री? वी आर गोइंग टू अ कॉफी हाउस, धर्मा कॉफी हाउस एंड कैफे। तो कुछ खाते हैं, बहुत जोर से भूख लगी है। साढ़े तीन बज रहा है। आज का तो घूमना हो गया, अभी कुछ खा लेते हैं। चलो मानवी, what happened? Why are you crying? पहले ऊपर देखो, वहां पर स्नोफॉल हो रहा है। वो लास्ट में देखो, इधर बारिश हो रही है, देयर इज नो फॉल। अभी जो भी मिलेगा खा लेंगे ना, नो प्रॉब्लम। क्या दिया तुमने? हैं? क्या दिया? कुछ तो था, ये वैसे मॉन्क्स एनजीओ है, तो मॉन्क्स उसको चलाते हैं, है ना। तो यहाँ पर मैगी भी थी, मोमोज खत्म हो चुके थे। हमने कहा फिर आप पहले 2 किलोमीटर पहले ही बता देते, अब हमने कहा खत्म हो गया, देखा नहीं, तो कह रहे चलिए आपको हम ये खिलाते हैं। तो कुछ तो वो जैसे शाम को हम थुक्पा खाएंगे ना, तो उसमें जो पड़ता नहीं, बोल रहे थे खुद से डालते हैं काट काट के, उसी का थोड़ा सा कुछ वो था मसाले वाला। तो हमने कहा एक स्पाइसी कर दीजिएगा, 2 नॉन स्पाइसी और उसके ऊपर एक अंडा आमलेट,
वो खुद ही डालते हैं ऑमलेट, एक एक ऑमलेट सब में, और हमने एक मैगी ले लिया है, तो आपको जो पसंद ना आए मैगी ले लीजिएगा मेरा, ठीक है? ठीक है, यहाँ पर खाने का बड़ा दिक्कत है, ये तो हम देख रहे हैं। When you go to a place, उस जगह का local cuisine try करना। नहीं तो मेरे हिसाब से तो अच्छा ही, आई लाइक इट। मम्मी पापा को तो दाल चावल चाहिए ना, असमीज भात दाल भात और क्या नहीं तो नहीं चलेगा, हम लोग को चलेगा ना, कॉन्टिनेंटल दे रहा हूँ, हो जाएगा, चलेगा। बर्गर, पिज्जा, अरे वाह, तो तुम आगे यहाँ क्यों आई, मोमोज लेने? आई एम ऑलवेज रेडी, क्योंकि बर्गर और पिज्जा तो पीछे ही मिल रहा था, खिलाओ ना अभी, क्या तुम? पापा का जो रूल्स होता है खाली मम्मी पे लागू होता है, खा के आएंगे लेकिन घर में दाल चावल चाहिए। क्या रही है पापा का रूल्स मम्मी पे लागू? ये सब मेरा भांडा मोट फटा हो गया, तो अंदर का चीज है ना, ये अंदर का चीज है, हो गया क्या, बुला रहे हैं। सुधर्मा कॉफी हाउस, और हमारा खाना हो गया है जो भी है। वाह, इसका एक बार नाम बता दीजिए, क्या था? ट्राई हिंदुक। ओके, ये दो लेके जाता हूँ मैं। क्या नाम बताया था फिर से बोलिए? हिंदुक। सो टिबेटियन डिश। ओह नाइस। तो ये स्पाइसी है, और मम्मी पापा के लिए ये नॉन स्पाइसी। यस। ओ मानवी, टेस्टी। मानवी का मुंह देखो, मानवी का मुंह देखो। What's this? Food. This is spicy, मानवी. This is spicy. अच्छा है? अच्छा. Nice. मानवी का मुंह आँख देखो, तुम्हारा मुंह देख रही चलते हुए। एक मुंह में खिला दो जरा सा। You want edit? अभी तो सब जला पला खाती है। Egg. वाह, ये हुई ना बात, ये चार दांत में क्या क्या खाओगे बेटा। हम यही देख रहे हैं, नाक खिलाने में कितना रो रही है। So, हमारा कॉफी आ गया, मेरा बिना शुगर वाला है ना। हाँ, तुम्हारा बिना शुगर, मेरा बिना शुगर, मेरा लेकिन शुगर, टू पैकेट शुगर। अरे शुगर, कॉफी पीना है तो शुगर लेके पीना है, जो फॉर माय नॉलेज, एंड आई आल्सो एंजॉय दिस पिक्स, अ कॉफी विद शुगर। हाँ, कॉफी खाना है तो खाया, फीका फीका खाएगा, ही खाएगा, ये मेरा नहीं है, अभी खाएगा तो दिल खुश हो गया, देखो मेरा कॉफी खाता दिल खुश होता है। लेकिन अगर आपको देख रहे होंगे जितने भी लोग 30, 40, 50, 60+ वाले, yes. कह रहे हैं देख लो एक 70+ जो शुगर पे शुगर खा रहे हैं, और इनको ना डायबिटीज है ना शुगर है। यू एंजॉय व्हाट यू आर ईटिंग, व्हाट यू आर ड्रिंकिंग, यू एंजॉय इट। अगर खाना का टाइम में जो सोचेगा मेरा क्या होगा, प्रॉब्लम होगा नहीं का, देन गया तुम गया। अच्छा, पापा का डायबिटीज ना होने का राज क्या है, बता दो, ये भी बता। हाँ, क्या राज है आपका डायबिटीज ना होने का? टू टेक टेंशन, जो टेंशन तो आता है आदमी लोग का, बट ज्यादा से टेंशन नहीं लेने का है। और खाने में क्या है, समाधि बोलता है खाने से डाइट शुगर बढ़ता है, वो बढ़ता है, नथिंग। मैं तो सब खाता हूँ लेकिन लिटिल बिट। पापा का मैंने एक चीज देखा है ना, बोले उनका, लोगों का है ना, लोग आराम तलबी हो जाते हैं 50 के बाद 60 के बाद। पापा एक्टिव बहुत ज्यादा हैं। इनका क्या है कि मम्मी बहुत गुस्साती हैं कि राशन एक साथ लेके आओ महीने का, वो कहेंगे नहीं तुमको क्या चाहिए हमको बताओ, हम डेली लेके आएगा। तो 250-250 ग्राम या 100 ग्राम 200 ग्राम थोड़ा थोड़ा लेके आते, तो जैसे चाहिए तुरंत दौड़ के जाते हैं, फिर जाते हैं। मेरा ऐसा है देखो, तो इतना आपका वॉकिंग हो जाता है, खाने में मेरा जो जो सिस्टम है ना, That has to be consumed, na? Correct. So every after 2 hours, मुझे भूख लगता है। ये वाइफ बोलता है। अरे मैं तो आश्चर्य था कि मतलब एक रसगुल्ला हम खा रहे हैं तो कह लो हम भी मार देते हैं। यही बात है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जिंदगी में आपको एक्टिव रहना चाहिए। Yes. पूरे टाइम एक्टिव रहिए और कुछ नहीं, मतलब आपको देख के मैं ये देखता हूँ, आप उकड़ू भी बैठ जाते हैं, कोई ना घुटने का दर्द ना पैर का दर्द, बैठ के क्यारी भी बना लेंगे। लेकिन एक चीज हमने देखा, आप ग्रीन टी खूब बढ़िया पीते, और आपका एक बढ़िया ग्रीन टी यू मस्ट टेक वंस इन अ डे। हाँ, ये बात तो सही है, ग्रीन टी। चले भाई, 4:15 हो गया, अब क्या करना है?
आपको और कोई मॉनेस्ट्री अच्छी बची है? नहीं, अभी कुछ क्रॉकरी यूनिट खरीद लेते हैं। क्रॉकरी यूनिट बोल रहे हो, क्रॉकरी कुछ खरीद लेते हैं। डोंगे डोंगे जैसे थुपका वाले कप्स एंड सॉसर्स। देखिए लगातार बर्फबारी हो रही है वहाँ पर। हाँ देखो बहुत ज्यादा बर्फ हो गया। बोलते रहते वो जितने भी आर्मी वाले कि मानवी देख रही है वहां पर बर्फबारी कब हो जाती है पता नहीं चलता। क्या बोले बिड्डी बिड्डी बिड्डी? कहाँ से सीखा तुमने ये बिड्डी बिड्डी? साइलेंट हो गई है। घूम फिर के वापस बैक टू होम स्टे। ओ मानवी सी डॉगी, सो हाय डॉगी। पिक्सी को पॉटी करा रहे हो। ये देखिए होम स्टे का पोमेरियन डो है, एकदम पिक्सी का पूरा पीछे पीछे जा रही थी। हाय मानवी, हाय हाय। इटू आउट सर वेल, हाय हाय। तो घूम फिर के आ गए हैं और अभी थोड़ा सा रेस्ट ले रहे हैं। और पता नहीं हाई एल्टीट्यूड में मेरे को नाक जो है बहुत ड्राई हो जाती है। पिक्सी स्टे, पिक्सी स्टे कहाँ है? जल्दी आ, जल्दी आ। पिक्सी दिखा दे। पिक्सी डोंट बार्क, नो नो पिक्सी, आगे ले आई, आगे ले आई। पिक्सी इट्स अ बेबी, नो पिक्सी, नो। मानवी, our dinner is here. So आज क्या क्या आया है, let's see. So rice है, ओहो ये थुप्पा है, ये दाल और ये है एग करी। वाह एग करी देखने में अच्छा लग रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 अंडे का एग करी। सो बढ़िया है, खाते हैं अभी। सो ये लो, मम्मी खा रही है। मम्मी बोली हम टेस्ट करेंगे तो ऐसा बड़ा बॉल मम्मी ले रही है। और ये तुम्हारे लिए, ये खा लो उसके बाद फिर एग करी और राइस देते हैं। नहीं नहीं बस हम यही खाएंगे। अरे नहीं भाई एग करी कौन खाएगा? आटे का है एक्चुअली, आटे का है। हाँ वो क्या बोलता है, क्या बनता है वहाँ पे यूपी में, दाल का दुल्हा। हाँ सेम काइंड वैसा ही है जो है। हाँ तो वही चीज है, प्रिपरेशन बस दाल की जगह सूप रखते हैं। हाँ सूप ठीक है। हाँ ठीक है तुम लोग खाओ। थुक्पा खा लिया, बहुत ही टेस्टी यहाँ का जो लोकल थुक्पा है वो खाया। और हमने तो अंडा करी और राइस भी खा लिया। मनीष को पेट भर गया थुक्पा खाते ही, लेकिन हम लोग ने एंजॉय किया अंडा करी राइस। तो अभी जा रहे हैं सोने। तो आज हम लोग ने परमिट भी ले लिया बुमला पास के लिए और कल जा रहे हैं बुमला घूमने और माधुरी लेक घूमने। तो जल्दी सो जाते क्योंकि जल्दी निकलेंगे। तो आजकल मैं मानवी के लिए जब भी ट्रैवल करती हूँ तो मैं एक पिलो उसके लिए रखती हूँ अपने लगेज में। ये मेमोरी फोम लाइट वेट पिलो है। ये बच्चों का जो फ्लैट हेड का इशू होता है उससे ये प्रिवेंट करता है। ये अर्गोनॉमिकली डिजाइंड है और ये ब्रेथेबल कॉटन मटेरियल से बना हुआ है, वॉशेबल है, बहुत ही लाइट है तो सूटकेस में आराम से आ जाता है। और मान भी बहुत अच्छे से रात को सोती है, नींद लेती है। नेक और स्पाइन को बहुत ही अच्छे तरीके से सपोर्ट करता है। ये हल्का सा रेस्ड पोजीशन में है, आप देख सकते हो, विच इज़ गुड फॉर बेबीज हेड। तो ये मैं हमेशा रखती हूँ। तो चलिए जल्दी सो जाते हैं और मानवी को भी सुलाते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि होगा बहुत ही एक्साइटिंग, जहाँ पे हम लोग स्नो देखेंगे और माधुरी लेक देखेंगे जहाँ पे कोयला का शूटिंग हुआ था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बाय बाय।